नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार के 18 आईएएस अफसरों की होगी ट्रेनिंग। रमजान को लेकर मुसलमान सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को सीएम नीतीश ने दी छूट। मनीष कश्यप ने थाने में किया सरेंडर। बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हर महीने लगेंगे स्पेशल कैंप। केएल राहुल ने बताया पहले वनडे में क्या थी उनकी रणनीति। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 18 आईएएस अफसरों की होगी ट्रेनिंग। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार के 18 आईएएस अधिकारियों को 25 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। बता दें कि इस ट्रेनिंग के लिए सभी अधिकारियों को 8 मई से 2 जून 2023 तक के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में रहना होगा, क्योंकि इस स्थान पर ही इन अधिकारियों को अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण 4 दिया जाएगा। बता दें कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के विशेष सचिव के द्वारा ट्रेनिंग लेने वाले अधिकारियों को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी दे दी गई है। मालूम हो कि जो 18 आईएएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, उनमें कुंदन कुमार, पलका साहनी, अभय कुमार सिंह, अजय यादव, दिवेश शेहरा, मनीष कुमार, संदीप कुमार आर पुटकलकट्टी, अश्विनी दत्तात्रेय ठाकरे, आदेश तितरमारे, धर्मेंद्र सिंह, संजय कुमार सिंह, मनोज कुमार, जय सिंह, गोपाल मीना, गिरिवर दयाल सिंह, बी कार्तिकेय धनजी, डॉक्टर आसिमा जैन और प्रणव कुमार के नाम शामिल हैं। रमजान को लेकर मुसलमान सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को सीएम नीतीश ने दी छूट। रमजान को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुसलमान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें कि सीएम नीतीश के द्वारा आदेश जारी कर कहा गया है कि रमजान के महीने के दौरान मुसलमान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दफ्तर के समय में बदलाव कर दिया गया है। वहीं इस दौरान दूसरे धर्म के लोगों के लिए दफ्तर के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मालूम हो कि सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र के द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2000 में यह फैसला लिया गया था कि रमजान के मौके पर मुस्लिम धर्म के सरकारी सेवकों के लिए कार्यालय का समय बदला जाएगा। उन्हें नियत समय से 1 घंटा पहले आने और 1 घंटा पहले जाने की छूट होगी। मनीष कश्यप ने थाने में किया सरेंडर। बिहार बेतिया के रहने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप के घर पर कुर्की की कार्रवाई शुरू होने के बाद मनीष कश्यप ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि मिझौलिया थाना क्षेत्र के महाराज डुमरी में मनीष कश्यप के घर की कुर्की जब्ती बेतिया पुलिस कर रही है। बता दें कि 193/21 मझौलिया कांड में मनीष कश्यप की जमानत याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मनीष पर बेतिया में ही 7 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 5 केसों में चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। इसके अलावा एक मामले में पटना हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दिया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की कथित पिटाई का वीडियो गलत तरीके से सोशल मीडिया में वायरल करने के आरोप में मनीष कश्यप ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर किया है। बताया तो यह भी जा रहा है कि मनीष कश्यप को अब आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा जाएगा, जिसके बाद ईओयू की टीम इनसे पूछताछ करेगी। बता दें कि मनीष के घर पर कोर्ट के आदेश के बाद कई थानों की पुलिस कुर्की के लिए पहुंची है। उनके घर पर बुलडोजर भी चलाए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप के घर के सामान को जब्त किया गया है। फ्री बिजली और प्रीपेड मीटर को लेकर विधानसभा में सरकार की दो टूक। बीते दिन यानी कि शुक्रवार को बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बिहार में फ्री में बिजली नहीं मिलेगी और न ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में फ्री में बिजली दी जा रही है वे कर्ज से लदे हुए हैं, और जहां तक बात बिहार की है तो यहां के लोगों को पहले से ही काफी कम दर में बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों से बिजली की दर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके साथ ही इन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर कहा कि यह बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है, जिसका पूरा देश नकल कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में पहली बार बिहार में प्रीपेड मीटर लग रहा है। अब सुरक्षा जांच की वजह से फ्लाइट नहीं छूटेगी। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच की वजह से हमें देरी हो जाती है और हमारी फ्लाइट छूट जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बता दें कि इसके लिए पटना एयरपोर्ट पर 9 सेल्फ चेक पॉइंट सेवा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस चेक पॉइंट में खास बात यह है कि यात्री यहां खुद खड़े होकर अपना जांच करवा सकते हैं। बता दें कि सेवा की शुरुआत होने के बाद यात्रियों को चेक इन के दौरान सुरक्षा जांच के लिए लगने वाली लंबी लाइन में लगने से निजात मिलेगी। मालूम हो कि इस नए चेक पॉइंट पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसमें लगा स्कैनर सामने खड़े व्यक्ति का स्कैन कर लेता है, और इस दौरान अगर कोई भी आपत्तिजनक चीज व्यक्ति में नजर आती है तो उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस दे देता है।
शराबियों से बिहार सरकार को मिला इतना राजस्व। बिहार में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार के द्वारा बिहार में शराबबंदी को लेकर कहा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार विभाग की तरफ से लगातार शराब तस्करों की गिरफ्तारी की जा रही है, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी कानून के तहत दूसरे राज्यों से करीब 10,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिनमें से 100 लोगों को सजा भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 16 मार्च तक लक्ष्य की तुलना में 110% राजस्व संग्रह किया गया है। वहीं वर्ष 2020-21 में कुल संग्रह का लक्ष्य 104% हुआ था। इसके अलावा अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष 5500 करोड़ राजस्व संग्रह का लक्ष्य है और 16 मार्च तक 6059 करोड़ संग्रह हो चुका है और संभावना है कि मार्च के अंत तक 6200 करोड़ रुपए राजस्व संग्रह हो जाएंगे। बिहार के गवर्नर ने जेपी यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार को हटाया। बीते दिन यानी कि शुक्रवार से बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर के द्वारा 2 दिवसीय पूर्णिया दौरा की शुरुआत हो गई है, जहां उन्होंने एक सख्त कदम उठाते हुए बीते दिन ही पहली कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश विश्वविद्यालय के रवि प्रकाश बबलू को रजिस्ट्रार के पद से हटा दिया है। बता दें कि उन्होंने जयप्रकाश विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक की अध्यक्षता करने के दौरान कहा था कि वे सख्त कदम उठाएंगे, जिसका उदाहरण बीते दिन देखने को मिला। मालूम हो कि राज्यपाल के प्रमुख सचिव आरएल चुंगतू के द्वारा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिख कहा गया है कि रवि प्रकाश बबलू को प्रशासनिक और शैक्षणिक हित में तत्काल प्रभाव से कुल सचिव के पद से मुक्त किया जा रहा है। नए रजिस्ट्रार की नियुक्ति तक विश्वविद्यालय एक वैकल्पिक व्यवस्था रखे। बता दें कि आज राज्यपाल के द्वारा इस दौरे के दौरान पूर्णिया विश्वविद्यालय की सीनेट बैठक की अध्यक्षता की गई है। दिल्ली हाट में शुरू हुआ बिहार उत्सव। नई दिल्ली के आईएनए दिल्ली हाट में बिहार दिवस के मौके पर 15 दिवसीय बिहार उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस कार्यक्रम में बिहार के स्टार्टअप हस्तशिल्प कर्मी हैंडलूम कारगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुक खादी ग्रामोद्योग संस्था के द्वारा अपने उत्पाद को प्रदर्शित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस उत्सव का शुभारंभ पद्मश्री से सम्मानित 52 बूटी हस्तशिल्प कला के कलाकार कपिल देव प्रसाद की उपस्थिति में उद्योग विभाग ने लॉटरी पद्धति से स्टॉल का आवंटन कर किया। इन सभी चीजों के अलावा इस उत्सव में लोगों को बिहार के स्वादिष्ट व्यंजनों को भी चखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा बिहार की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके, इसके लिए 21 से 23 मार्च तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। मालूम हो कि इस उत्सव में कुल 120 स्टॉल लगाए गए हैं, जो सभी बिहार से जुड़े हैं। यह कार्यक्रम 31 मार्च तक चलने वाला है। बिजली संबंधित शिकायतों के लिए हर महीने लगेंगे स्पेशल कैंप। बीते दिन बिहार विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर घोषणा किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार में बिजली संबंधी शिकायतों के लिए प्रखंडों में हर माह के दूसरे शनिवार को विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें आम बिजली उपभोक्ता अपनी बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर आ सकते हैं और उनकी शिकायतों का निदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता के पास बिजली बिल में गड़बड़ी के अलावा अन्य कुछ मुद्दों पर भी शिकायतें हैं, उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने विधायकों से अपील करते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरह की कोई शिकायत होती है तो जरूर सूचित करें। पटना के 549 स्कूल ही आरटीई के तहत रजिस्टर्ड। बिहार की राजधानी पटना में केवल 549 स्कूल ही ऐसे हैं जो शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई के रजिस्टर्ड है, जबकि 2022 में जिले में प्राइवेट स्कूलों की संख्या करीब 2500 थी, जो इस वर्ष बढ़कर करीब 3000 हो गई है। लेकिन इन स्कूलों में से अब तक केवल 1097 स्कूल ही ऐसे हैं जिन्होंने ई संबंधन पोर्टल पर आरटीआई रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करवाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरटीई के तहत रजिस्टर्ड स्कूलों में 25% सीटें आरटीआई अंतर्गत एडमिशन के लिए आरक्षित होती है, लेकिन आरटीआई के तहत बच्चों का एडमिशन नहीं लेने को लेकर डीईओ की ओर से जिले में आरटीआई के अंतर्गत स्कूलों को 10 अप्रैल तक आरटीआई के तहत एडमिशन की सूची जिला स्तरीय कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिया गया है। मोतिहारी पुलिस और एटीएस ने पीएफआई सदस्य को किया गिरफ्तार। मोतिहारी पुलिस और एटीएस टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर मोतिहारी जिले के हरपुर नाग में संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर एनआईए के मोस्ट वांटेड पीएफआई सदस्य इरशाद को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मोस्ट वांटेड पीएफआई के सदस्य को मेहसी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह व एटीएस की टीम के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि पिछले 6 माह से एटीएस व पुलिस की टीम के द्वारा इरशाद की गिरफ्तारी में लगातार छापेमारी की जा रही थी। फिलहाल एटीएस और पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए पीएफआई सदस्य इरशाद से पूछताछ की जा रही है।
जल्द अपनी पार्टी बना सकते हैं प्रशांत किशोर। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण में एक सवाल का जवाब देते हुए यह साफ संकेत दे दिया है कि वे जल्द ही अपनी राजनीतिक दल बना सकते हैं। हालांकि अब तक उन्होंने इसको लेकर कोई तारीख नहीं बताई है कि कब वे अपने राजनीतिक दल का निर्माण करने वाले हैं। दरअसल सारण में प्रशांत किशोर से पूछा गया था कि आप कब पार्टी बना रहे हैं, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वे इसलिए ही तो अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे दही को मथ कर माखन निकाला जाता है, वैसे ही गाँव शहर देहात कस्बा में घूम घूम कर सही व्यक्ति को निकालना है और फिर उन्हें मिलाकर राजनीतिक दल बनाया जाएगा और बिहार को बदलने का काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बनने वाला यह दल किसी जाति, किसी व्यक्ति अथवा किसी परिवार का नहीं होगा, बल्कि उनके लिए होगा जो बिहार का बदलाव करना चाहते हैं। आप सब मिलकर पार्टी बनाने पर विचार कीजिए और मैं चुनाव कैसे लड़ा जाएगा और कैसे जीता जाएगा उसका इंतजाम करूंगा। बिहार के किशनगंज पहुंचे AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी अपने दो दिवसीय दौरे को लेकर आज बिहार के किशनगंज पहुंचे, जहां उनका उनके नेताओं और समर्थकों के द्वारा जमकर स्वागत किया गया। बता दें कि आज उन्होंने सबसे पहले पूर्णिया जिले के बाईसी और डगरुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही अमौर प्रखंड के खारी घाट में भी सभा को संबोधित किया, जिसके बाद वे आज के दिन देर शाम को कोचाधामन प्रखंड के भट्टा हाट में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं अगर उनके कल के यानी कि रविवार के कार्यक्रम की बात करें तो कल वे बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही पोठिया प्रखंड स्थित भेड़भड़ी से खड़खड़ी घाट तक पदयात्रा कर जनसभा को संबोधित करेंगे। केएल राहुल ने बताया पहले वनडे में क्या थी उनकी रणनीति। बीते दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल के द्वारा 39.5 ओवर में दमदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। वही जीत मिलने के बाद केएल राहुल के द्वारा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान अपने और जडेजा की खास रणनीति को लेकर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि हमारे विकेट जल्दी गिरे थे, स्टार को गेंद से स्विंग मिल रहा था, हालांकि शुरुआती बाउंड्री ने मुझे जल्दी सेट में होने की काफी मदद की। जडेजा के साथ कमाल की साझेदारी रही, हम मैदान पर खेलते वक्त कुछ अलग चर्चा नहीं कर रहे थे, हमने बस यही मकसद था कि जो भी खराब गेंद आएगी उस पर रन बटोरेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली, उस स्थान पर वह अपनी भूमिका को बहुत अच्छे से समझते हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शनिवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, रवि कुमार राम, कुमारी संजना, अनवर करीम खान, रुनू गोलू कुमार, एच के मल्होत्रा, शंकर मुखिया, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रविशंकर, दीपक कुमार यादव, अर्जुन राम, सतीश कुमार, मोहम्मद अफजल मंसूरी, पवन सिंह। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली संबंधी अधिकतर शिकायतें क्या होती है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।